कॉमेडियन भारती सिंह और उनके हस्बैंड हर्ष रिम्बाचिया को आज कोर्ट में पेश किया गया था। एनसीबी की टीम ने उनकी कस्टडी मांगी थी और कोर्ट ने दोनों की कस्टडी दे दी है। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी गई है भारती और हर्ष के लिए, यानी कि 4 दिसंबर तक के लिए ये जुडिशियल कस्टडी में चले गए हैं। हालांकि दोनों ने ही अपनी बेल के लिए अप्लाई कर दिया है और इस बेल पर सुनवाई कल होगी, यानी कि आज का दिन दोनों को एक बार फिर से एनसीबी के ऑफिस में ही बिताना पड़ेगा। जहां एक तरफ भारती सिंह को कल उनके घर पर छापेमारी करने के बाद 3 घंटे पूछताछ करने के बाद अरेस्ट कर लिया गया था, वहीं अगर बात करें हर्ष लिम्बाचिया की तो उनसे बातचीत के दौरान एनसीबी को पता चला है कि वो काफी सारे पेडलर्स से कांटेक्ट में थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मनी ट्रांजैक्शंस एनसीबी की टीम को मिले जो कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त में इस्तेमाल हुए। उसके तहत हर्ष लिम्बाचिया से ये जो पूछताछ थी ये काफी लंबी चली, जिसके तहत आज सुबह हर्ष लिम्बाचिया को अरेस्ट किया गया था। दोनों को ही सुबह साइन हॉस्पिटल टेस्ट के लिए ले जाया गया था, जहां पर रेगुलर मेडिकल टेस्ट किया गया, इसके अलावा कोविड टेस्ट किया गया और उसके बाद इन्हें किला कोर्ट में आज पेश किया गया और कोर्ट का फैसला आ गया है। 4 दिसंबर तक की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है भारती और हर्ष लिम्बाचिया को। बेल पर सुनवाई कल होगी। आपको बता दें कि कुछ पेडलर्स के इशारों पर एनसीबी की टीम ने कल भारती की 3 प्रॉपर्टीज पर छापेमारी की थी। वर्सोवा, लोखनवाला और अंधेरी में ये छापेमारी की गई, जहां से 86 ग्राम का गांजा बरामद हुआ है। आज भारती और हर्ष को कोर्ट में पेश किया गया था, उनके साथ ही 2 पेडलर्स को भी पेश किया गया था। सभी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है।